नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने निजी क्लिनिक में किया जमकर हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्थाई कुलपति की मांग को लेकर छात्र राजद ने विश्वविद्यालय में जड़ा ताला, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कूड़ा बीनने के दौरान करंट प्रवाहित ट्रांसफार्मर की चपेट में आई महिला, मौके पर हुई मौत। कांवरियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने शुरू की बस सेवा, विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और टीएनवी कॉलेज में होगा बिहार इतिहास परिषद का 2 दिवसीय अधिवेशन। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर जोगसा थाना क्षेत्र के राधा रानी सिन्हा रोड स्थित श्री नागेश्वर ऑर्थो एंड ट्रामा सेंटर में मरीज की मौत के बाद गुरुवार की रात परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं हंगामा बढ़ता देख डॉक्टर और कर्मचारी क्लिनिक से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। मृतक की पहचान शंकर टॉकीज निवासी 36 वर्षीय रविंद्र गुप्ता के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 5 लाख की मांग की थी और सारा पैसा पहले ही जमा करवा लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही बरती गई, जिस कारण रविंद्र गुप्ता की मौत हुई है। वहीं रविंद्र गुप्ता के निधन की खबर सुनते ही परिजन काफी आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया। मृतक के परिजन रो रो कर कह रहे थे कि घर में कमाने वाला सिर्फ रविंद्र ही था और अब रविंद्र के चले जाने से घर के सभी सदस्य बेसहारा हो गए हैं। इधर घटना की सूचना पाकर जोगसा आरोपी प्रभारी अजय कुमार अजनबी तलवल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को समझाया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सर, हमारा आदमी को ऑपरेशन किया सर, मार दिया सर, ऑपरेशन किया, होश नहीं आया सर, नस काट दिया है सर, नस काट दिया है हमारा। हाँ सर, भर्ती करा था सर, 10 दिन से भर्ती था सर, 15 दिन से। क्या हुआ सर? एक्सीडेंट किया था सर, गोड़ में एक जख्म था सर। वो बोला कि डॉक्टर हम ऑपरेशन करेंगे, हमको पैसा जमा करो सर। गहना जेवर बेच के हम पैसा ला कर सब जमा कर दिए सर। कितना पैसा जमा कर? पैसा सर 5 लाख रुपया मांगा था सर, 5 लाख दे दिए लाकर सर, जेवर उवर बेच के सर। कब दिए थे? कब दिए सर? उसका डायरी में लिखा है सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर ये हमारा ऑपरेशन कल किया सर, रात को 2 बजे घुसाया सर, 10 बजे निकाला, बोला खून दो, एंटीबायोटिक दो, 20,000 का ही दो, वो दो करते करते पेशेंट को लाया, पेशेंट को होश नहीं हुआ सर। सब लापरवाही में सुतल था कंपाउंडर, डॉक्टर एक बार हुलकी मारे नहीं आया सर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रत्येक दिन कोई ना कोई मांग को लेकर प्रदर्शन होता रहता है। शुक्रवार को भी कई मांगों को लेकर छात्र राजद ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र राजद के कार्यकर्ता ने प्रशासनिक भवन के सामने काफी हंगामा किया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक भवन से बाहर कर मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारियों से छात्रों की नोकझोंक भी हुई। छात्रों को कहना था कि TMU में अस्थायी कुलपति नहीं होने के चलते विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर काफी नीचे गिर चुका है। इसके पूर्व छात्र राजद ने अपनी 5 सूत्री मांग प्रति कुलपति को सौंपी। विश्वविद्यालय प्रवक्ता आशुतोष यादव ने बताया कि करीब 8 माह से कुलपति कार्यालय नहीं आए हैं, जिस कारण छात्रों को मूल प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। छात्र नेता ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी जाएगी। मौके पर लालू यादव समेत छात्र राजद से जुड़े कई छात्र मौजूद थे। विद्यालय इसलिए हम लोग बंद करके रखे हुए हैं कि बीते लगभग साल 1.5 साल से यहाँ पे अस्थाई कुलपति की नियुक्ति हुई थी, पर वो जो है यहाँ पे विश्वविद्यालय में अपना योगदान नहीं दिए हैं। योगदान दिए फिर भी मतलब वो नियमित रूप से यहाँ आते नहीं हैं। इसके वजह से जो विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्य, उनका जो विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्य है, सब चौपट हो चुका है। विश्वविद्यालय में एक तरह से कहिए तो त्राहिमाम का संदेश है। ठीक है, हम लोग आए दिन हमेशा हंगामा करते रहते हैं, हम हमेशा मांग करते रहते हैं कि विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति हो, पर अब तक शिक्षा विरोधी सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिलीभगत से यहाँ पर अस्थायी कुलपति की नियुक्ति लगभग 6 महीने से नहीं किया जा रहा है। और इसके वजह से आम छात्र छात्राओं को प्रोविजनल के लिए डिग्री सर्टिफिकेट के लिए, मूल प्रमाण पत्र के लिए, CLC माइग्रेशन एवं अन्य तमाम शैक्षणिक दस्तावेज के लिए आए दिनों विश्वविद्यालय को रोजाना चक्कर लगाना पड़ता है, पर उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है।
जिसके वजह से आम छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश है। भागलपुर जिला पंचायत कार्यालय के समीप एक महिला की मौत ट्रांसफार्मर के हैंडल में प्रवाहित करंट की चपेट में आने के कारण हो गई। मृतका की पहचान शीला देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण महिला की जान चली गई। जिला परिषद के ठीक सामने लगे ट्रांसफार्मर से करंट प्रवाहित हो रहा था, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने इसकी सूद नहीं ली, जिससे बड़ा हादसा हो गया। अभी महिला के पुत्र का कहना है कि उसकी माँ कचरा चुनने का काम करती थी और रोज की तरह आज भी वो कचरा चुनने के लिए निकली थी। साथ ही कहा कि प्यास लगने के कारण उसकी मां जब जिला परिषद के सामने ट्रांसफार्मर के नीचे लगे नल से पानी लेने जा रही थी, तभी उसकी साड़ी ट्रांसफार्मर के हैंडल से सट गई, जिसमें करंट प्रभावित हो रहा था। इसके बाद शीला देवी की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बिजली वाले की लापरवाही के कारण जो है सर मेरी माँ की मौत हो गई। यही बिजली में सर सटने के कारण खम्भा में जो पूरे में करंट है, मम्मी आ रही थी उधर से, इसमें जो सट के जो है करंट लग के कारण जो मर गया। और सर हम लोग को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। क्या नाम है माता? शीला देवी। लाजपत नगर डाउट वार्ड। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर प्रखंड परिसर में बिहार राज्य परिवहन निगम भागलपुर की ओर से कांवरियों के लिए सुल्तानगंज से देवघर मार्ग पर सरकारी बस सेवा यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। बस सेवा यात्रा का शुभारंभ सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने हरे झंडे दिखाकर किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल ने कहा कि कांवरियों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर परिवहन विभाग के द्वारा 3 सरकारी बस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि बस सेवा कठरा, मिश्रपुर और नया गांव होते हुए तारापुर तक के लिए शुरू की गई है, जबकि कांवरियों के लिए सुल्तानगंज से देवघर के लिए 2 सरकारी बस सेवा शुरू की गई है। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी पवन कुमार सांडली ने बताया कि 3 बस सेवा यात्रा का शुभारंभ विधायक द्वारा हड्डी झंडी दिखाकर किया गया है, जिसका लाभ कांवरियों एवं स्थानीय लोगों को सुल्तानगंज से देवघर समेत कठहरा और तारापुर जाने में होगा। मौके पर एनडीए कार्यकर्ता अरुण चौधरी, विकास कुमार कर्ण, चंदन कुमार, अनिल प्रसाद साह, बबलू मंडल समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बस हुआ उसमें 2 तो देवघर के लिए है और 1 है तारापुर और भागलपुर भाया कटहरा, नया गांव कटहरा मिश्रपुर ऐसे होते हो करके ये तारापुर के लिए। ये इस रास्ते को हम लोग नया डेवलप कर रहे हैं। ये रास्ते पहले परिवहन विभाग के मॉप में नहीं था और इसको करवा करके इसमें हम तत्काल परीक्षण के रूप में गाड़ी चलवा रहे हैं, इसके बाद और गाड़ियां इसमें होंगी। बिहार इतिहास परिषद के 2 दिवसीय अधिवेशन में देश के कई इतिहासकार जुटेंगे। इतिहास परिषद का 10वां अधिवेशन भागलपुर TNV कॉलेज में होगा। इसको लेकर शुक्रवार को प्रिंसिपल डॉक्टर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 15 और 16 सितम्बर को आयोजित 10वां अधिवेशन TNV कॉलेज इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा। प्रिंसिपल डॉक्टर संजय चौधरी ने बताया कि अधिवेशन में बिहार के इतिहास पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि 10वां अधिवेशन में इतिहास विषय से जुड़े दर्जनों शिक्षक, शोधार्थी और विद्वान शामिल होंगे। वहीं आयोजन सचिव प्रोफेसर दयानंद राय ने जानकारी दी कि अधिवेशन में 2 दिनों तक प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत से लेकर समकालीन भारत के इतिहास में बिहार के योगदान पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रोफेसर DN राय ने कहा कि बिहार के इतिहास के वैज्ञानिक, वास्तुनिष्ठ तथा धर्मनिरपेक्ष अध्ययन को व्यवस्थित एवं प्रोत्साहित करने हेतु बिहार इतिहास परिषद का 10वां अधिवेशन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के TNV कॉलेज में होने जा रहा है। बैठक में प्रोफेसर रमन सिन्हा समेत कई शिक्षक मौजूद थे। आज का कार्यक्रम, आज का जो बैठक हुआ उसमें ये निर्णय लिया गया कि बिहार इतिहास परिषद 10वां अधिवेशन जो 15-16 सितंबर 2022 को होना तय है, ऐसा निर्णय लिया गया, वो TNV कॉलेज में, TNV कॉलेज के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष के अगुवाई में लिया जाएगा। और इतिहास से जुड़े हुए, उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए एफिलिएटेड कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से जितने भी एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सभी इसमें जुड़ेंगे और बिहार के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पर अपना शोध पत्र के लिए पेपर भेजेंगे। और डिटेल्स, ये पेपर है जो आप लोग सबको दे दिया गया है, इसके माध्यम से कुछ लोग सदस्य बन सकते हैं, कुछ
जो सदस्य नहीं है पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, सबकी अलग फीस होती है। और TNV कॉलेज ऐसा आशा रखता है कि ये सफल कार्यक्रम होगा। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नाथनगर अंतर्गत नूरपुर पंचायत के करेला ठाकुरबाड़ी के समीप पोखर में स्नान करने के दौरान एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे पोखर में स्नान कर रहे थे, तभी एक बच्चा गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद पोखर में घाट बनाने का काम कर रहे मजदूरों ने बच्चों को ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। वहीं इसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना मधुसूदनपुर थाने को दी, जिसके बाद मधुसूदनपुर OP पुलिस की पहल पर पहुंचे स्थानीय गोताखोरों ने बच्चे की तलाश शुरू की, जिसके बाद बच्चे को बरामद किया गया और आनंद फानंद में एम्बुलेंस की मदद से उसे नाथनगर रेफर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को भागलपुर माइगन अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। मृतक बच्चे की पहचान करेला निवासी सित्तो यादव के 15 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार के रूप में हुई है, जबकि परिजनों का कहना है कि सचिन पढ़ने में काफी तेज था और मैट्रिक की परीक्षा में वह फर्स्ट डिविजन से पास हुआ था। आज करेला गांव में ठकुरवाड़ी के बगल एक पोखर है, पोखर में 5 बच्चे स्नान कर रहे थे। स्नान करने के दौरान जो है एक बच्चे का पांव फिसल जाने से वो गहरे खाई में गिर गए, जिसके कारण से वो पानी में काफ़ी देर पड़ा रहा और स्थानीय लोगों गोताखोर के मदद से और मसदनपुर थाना के सहयोग से बच्चे को निकाला गया और बच्चे को निकाल करके उसको मसदनपुर थाना जो है रेफर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से कि रेफर उसको मायागंज कर दिया। भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में इंटर स्तरीय पंचानंद शाह उच्च विद्यालय बैजानी में छात्र छात्राओं को सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल नहीं करने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विद्यालय के प्राचार्य मनीष कुमार सिंह ने किया, जिसमें करीब 50 छात्रों को स्काउट और गाइड के छात्रों ने सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने को लेकर जागरूक किया। वहीं शपथ के दौरान प्राचार्य मनीष कुमार सिंह एवं स्काउट के जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद ने कहा कि एकल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर स्वास्थ्य के साथ प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम किया जा सकता है। साथ ही कहा कि 2025 के अंत तक भारत को प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहेगा। मौके पर डॉक्टर अजय कुमार, मृदुला सिंह, राजेश प्रभाकर, ममता कुमारी समेत के शिक्षक और छात्रों ने शपथ लिया। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत खरीक प्रखंड के अकीदतपुर पंचायत वार्ड नंबर 6 में 20 घरों को हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर शुरू में जमकर हंगामा किया, लेकिन प्रशासन के सख्त तेवर और पुख्ता इंतजाम के कारण अतिक्रमणकारियों की एक भी नहीं चली। बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से तमाम लोगों को 3 दिन पूर्व ही अतिक्रमित स्थान पर बने घर को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका था। इसको लेकर नवगछिया SDO यतेंद्र कुमार पाल ने कहा कि जितने भी लोगों का घर हटाया गया है वो सभी बाढ़ विस्थापित थे और 2007 से जगह पर रह रहे थे। SDO ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन जल्द ही सभी विस्थापितों को किसी सरकारी जमीन पर पर्चा देकर बसाया जाएगा। हालांकि ये देखना होगा कि कब तक इन बेघर बाढ़ विस्थापित लोगों को प्रशासन द्वारा जमीन मुहैया कराया जाता है। मौके पर नवगछिया SDO यतेंद्र कुमार पाल, SDPO दिलीप कुमार, खरीक अंचलाधिकारी शांत कुमार सहित कई थाने की पुलिस मौजूद रही। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था कि यहाँ से खाली कराना है, कुछ लोग कटाव पीड़ित थे, वो बसे हुए थे काफ़ी, 2007 से बसे हुए थे, तो उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नोटिस किया गया था, तो आज उनको हटाया जा रहा है। उनके लिए ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है, कुछ लोगों की पहले से ही बंदोबस्ती की गई थी तो उनको वहाँ भेजा जा रहा है, और जो बाकी लोग हैं उनके लिए एक सरकारी ज़मीन है जहाँ पर बंदोबस्ती की प्रक्रिया की जा रही है, उनको तत्काल रूप से वहाँ बसाया जा रहा है।
और इसके अलावा उनको जो पॉलीथीन शीट्स वगैरह दी जा रहे हैं और बाकी सभी भी मदद जो भी सरकार की तरफ से हो सकती है वो की जा रही है। यहाँ हाई कोर्ट का आदेश आया था कि मकान तोड़वाना है, यहाँ खाली ज़मीन करवाना है। कितने घर यहाँ पर? कम से कम 25 घर खाली करवाया गया। और मेरा सरकार से मांग है, SDO साहब को भी बोले और CO साहब को बोले कि जो गंगा कटाव के हम लोग यहाँ पे हैं, 2007 में ही हम लोग कटे हुए कटाव पीड़ित हैं, बाढ़ से कट करके हम रोड के बगल में बनाए थे, जो कि 2007 से अभी तक 19 आदमी को ज़मीन मिला, 3 डिसमिल करके ज़मीन मिला। उसके बाद 2000 और जो अरेस्ट लोग हैं उसको अभी तक जमीन नहीं मिला। पीपाती के 12 पंचायत स्थित केंद्र संख्या 191 में आंगनबाड़ी सेविका अनुभव कुमारी और सहायिका रेखा कुमारी के द्वारा मनमानी करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर केंद्र की सेविका और सहायिका पर आरोप लगाते हुए 12 पंचायत के मुखिया लालमणि साह ने कहा कि उनकी शिकायत मिलने पर वे कई बार आंगनबाड़ी केंद्र गए और फोन पर CDPO शबनम गुड़िया को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन बावजूद इसके आरोपी सेविका सहायिका के खिलाफ CDPO द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही कहा कि इन दोनों की मनमानी का विरोध करने पर पंचायत के लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, जिससे सरकारी योजना का लाभ बच्चों और प्रसूताओं को नहीं मिल पाता है। मुखिया ने कहा कि CDPO केवल आश्वासन देकर सेविका अनुभव कुमारी और सहायिका रेखा कुमारी को छोड़ देती है। सही बात है, उसमें आंगनबाड़ी में तो घोर अनियमितता है बराट में, और हम प्रयास भी करते हैं, बहुत बार गए भी देखने के लिए, लेकिन ये लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी सही बात है, आंगनबाड़ी केंद्र बहुत बाराहट में बत्ता चल रहा है। हम तो मैडम को बहुत बार कहें भी और बोलना भी चाहते हैं कि आंगनबाड़ी पे ध्यान दे 12 पंचायत में। देखिए ये महिला का टीम में हम जाते हैं तो इधर उधर करने लगती है, और हम प्रयास बहुत बार कहें कि भाई देखिए आंगनबाड़ी सही चल नहीं रहा है आप लोग का, थोड़ा खाना बच्चा को अच्छा खिलाइए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बांका के अमरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी डॉक्टर मीनाल शेखर गुजरात के कई उद्योगपति के साथ शुक्रवार को भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन सबों ने कांवर यात्रा से संबंधित जानकारी लेते हुए कांवरियों से भी बात की और हर्ष व्यक्त किया। वहीं इसको लेकर उद्योगपति गोयल दशरथ सिंह ने कहा कि यहां की कांवर यात्रा मनमोहक है और यहां उद्योग लगाने की काफी संभावना दिखाई दे रही है। इधर मीनाल शेखर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत बने नमामि गंगे घाट पर काफी मनोरंजक दृश्य देखने को मिल रहा है, जिससे कांवरियों का उत्साह और भी बढ़ गया है। साथ ही उन्होंने श्रावणी मेला और भक्तिमय माहौल को देखते हुए सुल्तानगंज का नाम अजगैवीनाथ धाम किए जाने की मांग की। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला उद्घाटन समारोह के दौरान बिहार सरकार की ओर से की गई घोषणा को अविलंब अमली जामा पहनाने की मांग की गई। आए हैं स्पेशल कि भी बहुत साल से हम सुनते हैं कि भाई कांवड़ का मेला चलता है, बहुत सारी हजारों की संख्या में पब्लिक जाती है 100 किलोमीटर दूर तक, तो देखने आए हैं कि भाई कैसा होता है, कैसे जाते हैं, वो हमारी इंतजारी थी, इसलिए स्पेशल गुजरात से यहाँ हम लोग देखने आए हैं। कैसा लगा देखे? देख के बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ भी ऐसे चलते हैं, कांवड़ की यात्रा में नहीं चलते हैं लेकिन अम्बाजी मंदिर तक चल के जाते हैं। यहाँ उससे भी ज़्यादा कठिन यात्रा लगती है, जैसे देखते सब जा रहे हैं। देखिए ये तो होना ही चाहिए, ये बाबा अजगैवीनाथ की धरती है, कौन सुल्तानगंज किस सुल्तान के नाम पर ये स्थान पड़ा है कोई नहीं, एक ऐसा नाम है जिसको लोग जानते ही नहीं, कौन सा सुल्तान ये, जब पता है कि पूरे देश और दुनिया से इतने लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बाबा अजगैवीनाथ के प्रति आस्था लेकर उनके प्रति समर्पण लेकर आते हैं, तो इसका नाम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि देर से उठाया हुआ कदम है या देर से सोचे, हम लोग तो बहुत पहले से डिमांड कर रहे हैं कि ये काम तो जो वर्षों पहले होना चाहिए था, सरकार अब जग रही है, इसको तो पहले ही करना था। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने निजी क्लिनिक में किया जमकर हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। अस्थाई कुलपति की मांग को लेकर छात्र राजद ने विश्वविद्यालय में जड़ा तारा, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कूड़ा बीनने के दौरान करंट प्रवाहित ट्रांसफार्मर की चपेट में आई महिला, मौके पर हुई मौत।
कांवरियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने शुरू की बस सेवा। विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और टीएनवी कॉलेज में होगा बिहार इतिहास परिषद का 2 दिवसीय अधिवेशन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।